आज इस सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे आज देश को समर्पित करेंगे। रीवा का ये अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट 1590 एकड़ में फैला हुआ है और इस सोलर प्लांट में 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। ये सोलर प्लांट जनवरी में ही चालू हो गया था, लेकिन पीएम मोदी को टाइम नहीं मिलने की वजह से इसका लोकार्पण रुका हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लंबा टारगेट तय किया, 1,75,000 मेगावाट का नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य उन्होंने तय किया था। हम सबको बड़ी खुशी है कि उनके इस लक्ष्य में सबसे पहला सबसे मजबूत कदम उठाने का काम मध्य प्रदेश की उस समय की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया और रीवा के गुड़ की पहाड़ी में मैंने जानकारी दी थी कि सबसे बड़ा सोलर प्लांट दुनिया का यदि कहीं लग सकता है तो मध्य प्रदेश के रीवा में लग सकता है, जहाँ पर लगभग 4,000 एकड़ में 4,500 करोड़ के निवेश से प्लांट लगाने की तैयारी शुरू हुई और इसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिडिंग हुई और उस बिडिंग में दुनिया में सबसे कम दर से सोलर बिजली पैदा करने का प्रस्ताव आया और उस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में और वाशिंगटन पोस्ट में ने भी खबर छापी थी। इस सोलर प्लांट से पूरे देश को फायदा हो रहा है। यहाँ से मिलने वाली बिजली की वजह से दिल्ली मेट्रो को रफ्तार मिली है, क्योंकि यहाँ से 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जा रही है, जबकि 76% बिजली राज्य सरकार को दी जा रही है। ये अल्ट्रा सोलर मेगा पावर प्रोजेक्ट है, ये 750 मेगावाट का है। इसको लगातार है ना, मतलब पिछले सालों में ना मतलब काम चल रही थी, इस साल अभी काम पूरा होकर 100% प्रोडक्शन में लास्ट जनवरी 2020 में ना आ गई है। एंड इसमें कितने भी ना बिजली का ना उत्पादन होता है उसका 25% हम लोग ना दिल्ली मेट्रो को देते हैं, रिमेनिंग 76% है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के ना ग्रिड पे देते हैं, उसके माध्यम से ना इसका वितरण किया जाता है। प्लांट के अंदर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए 3 यूनिट है। तीनों इकाइयों से 250-250 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। 2018 से ही बिजली का उत्पादन शुरू हो गया था, लेकिन जनवरी 2020 से सोलर प्लांट ने अपनी पूरी क्षमता के साथ बिजली का उत्पादन शुरू किया था। रीवा से विजय विश्वकर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।